इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। देखिए, मैंने आज का ना शाम का इवनिंग का व्लॉग शुरू कर दिया है। अभी हम लोग सोकर उठे हैं खाना खाने के बाद दोपहर को, तो सब कह रहे हैं चाय नहीं पीनी, तो मैं दूध काफ़ी आज पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इनको दूध का कुछ बना देती हूँ। रूह अफजा भी है मेरे पास। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, हमें सर में तो बहुत गर्मी है हमारे यहाँ। मैं इसको आज ये वाला लेकर आई थी, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, शुगर फ्री है। तो इसको पीते हैं, बनाकर देखते हैं कैसा बनता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, रूह अफजा का वाला शरबत बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे बर्तन भी लगने वाले हैं, शाम के काफ़ी काम हो जाते हैं, सब काम करने वाले। थोड़ी देर आज ना सो गए, थोड़ी देर नींद आ गई थी, लेट गए। तो देखिए, दूध को ना मैंने छान लिया है, इसमें थोड़ी सी मलाई आ जाती है ना, तो फिर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती, इसको थोड़ा सा मैंने छान लिया है फ्रेंड्स। और ये वाली जो बॉटल है ना, मैं उससे खुल नहीं रही, बिल्कुल सील हो रखी है ना, तो इसको मैं बड़ी टाइट थी, मैं बड़ी मुश्किल से खोला इसको मैंने। इसको अलग से मैंने एक, देखिए इस में ना गड़बी की टाइप है मेरे पास, इसमें पहले मिक्स कर लूँगी और फिर मैं जग में डालूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये वाला शुगर फ्री बोल रहे हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। अच्छा ही होगा, रूह अफजा तो वैसे भी बहुत अच्छा आता है ना, फ्रेश होता है तो कूल होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स आज ना, अमृतसर में 46 डिग्री टेम्परेचर था दोपहर के टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बाहर से आते हैं सब दोपहर के टाइम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना सबके लिए। अब थोड़ी सी इसमें आइस ऐड कर लेते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। तो इसमें मैं आइस ऐड कर रही हूँ, निकल नहीं रही इसको, मैं थोड़ा सा पानी डालकर निकाल कर लेकर आती हूँ फ्रेंड्स। तो अब देखिए निकल चुकी है, तब सबको डाल कर देते हैं ग्लासेस में, सबके लिए अलग अलग डाल दूँगी, और थोड़ी थोड़ी आइस क्यूब भी डाल दूँगी सबको, एक एक दो दो। कुछ ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, सहज को ज़्यादा चाहिए, बाद में उसका गला भी ख़राब होता है, लेकिन उसे ज़्यादा आइस क्यूब चाहिए। तो मुझे आवाज़ें भी दे रहा है, मुझे ज़्यादा आइस चाहिए, अंदर से आवाज़ें दे रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से मैंने ना, अब देखिए फ्रेंड्स चारों के लिए बन गया है, मेरा हस्बैंड का, बेटे का, मम्मी का, चल सबको देते हैं। बहुत गर्मी है ना, ठंडा ठंडा पियेंगे ना, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। सभी दोपहर को आते हैं, अभी सब सोकर उठे हैं, अब आते ही चल रही है सबकी, तब सबको दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ठंडा ठंडा और कूल कूल है, पी लेते हैं अब। बहुत गर्मी हो रखी है ना, आँखें खुल जाएगी इससे, चलो पी लेते हैं। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज डिनर में बनने जा रही है अरबी और बैंगन की सब्ज़ी। अरबी देखिए मैंने कट कर रही हूँ यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर बैंगन, बैंगन में ना थोड़ा सा मॉइस्चराइज आ रखा है, इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं फिर इसको कट करेंगे। और साथ में तड़का तैयार हो रहा है, तड़के में देखिए आज मैंने टमाटर और प्याज डालकर ही सिंपल सा तड़का लगाऊँगी, इसको बहुत ही टेस्टी बनती है बड़ी सब्ज़ी। तो ये देखिए यहाँ पर तड़का तैयार हो रहा है, साथ में इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, टमाटर जल्दी भूल जाएगा ना, बहुत जल्दी टमाटर गल जाता है, नमक साथ में डाल देना। इसको देखिए कट चुकी है, अब इसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, तो इसको मिक्स कर देते हैं। नमक ऐड कर देंगे ना, इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर उसके अच्छे से वॉश करेंगे सब निकल जाएगा, बहुत चिपचिपाहट होती है इसमें। तब देखिए इसको, तड़का मेरा ऑलरेडी रेडी है, इसमें सभी मसाले डाल दिए जो हम लोग डालते हैं। मैं फुल नहीं शेयर कर रही, पूरी रेसिपी नहीं आज शेयर कर रही, सिंपली आपके साथ बता रही हूँ। इवनिंग टाइम देखिए, नाइट टाइम कितने काम हो जाते हैं, इवनिंग से शुरू हुए मेरे नाइट टाइम तक, आज मैं आपके साथ नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है इसको ना, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखिए इसको मैंने डाल दिया फ्रेंड्स, तड़का रेडी हो चुका है, तो इसको मिक्स कर देते हैं इस मसाले में, और इसको थोड़ी देर ढककर बनने देंगे। और बैंगन अभी नहीं डालेंगे, उसको मैंने भिगो कर रखा हुआ पानी में, कट करके उसको बाद में डालेंगे। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया, और बैंगन यहाँ पर पड़े हुए हैं पानी में, इसको थोड़ी देर बाद डालते हैं। और देखिए यहाँ पर सहज ना कूलर को बाहर लेकर जा रहा है, ये हमने लिविंग रूम में यहाँ पर लगाते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है ज़्यादातर ना लिविंग रूम में बैठते हैं ना सारी फैमिली, जब तो मुश्किल हो जाए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पर बर्तन भी मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं शाम के सब, तो सहज यहाँ पर ना पाइप लगाकर पानी लगा रहे हैं, यहाँ पर ना फ्रेश वाटर आता है रात के टाइम, तो बहुत ठंडा होता है, तो ठंडा पानी भर रहे हैं इसमें पाइप लगाकर। कहता मुझे काम कब करने के लिए कह दिया, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, ऐसे में से बात कर रहा है, मैं क्या आप छोड़ दो, कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ। देखिए शाम का टाइम है, 7:30 हो चुके हैं, नाइट का टाइम ही है, तो काफ़ी गर्मी है अभी भी,
सब्जी देखिए अरबी थोड़ी सी हो चुकी है, अब इसमें मैंने बैंगन ऐड कर दिए हैं। तो ऑलरेडी मेरी सब्जी जो है बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं सब्जी बन चुकी है मेरी। तो मैं शावर लेने चली गई थी, शावर लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, आज बहुत गर्मी है। तो अब मैं जल्दी से रोटियाँ बनाऊँगी और सबके लिए दे दूँगी और फिर किचन समेट करूँगी और जल्दी जल्दी से रूम में जाकर बैठूँगी। साथ में मैंने हेड भी बाथ कर लिया है क्योंकि कल सैटरडे है, तो सैटरडे हेड बाथ नहीं करती मैं। अब मैं जल्दी से सबके लिए रोटियाँ बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। खाना खाने के बाद सब कुछ क्लीन कर दिया, बर्तन भी क्लीन करके रख दिए है बाहर। और यहाँ पर सहज बैठा हुआ कूलर लगा कर, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस दे रही हूँ क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती ना। फिर हम लोग जा रहे हैं फ्रूट क्रीम लेने। फ्रूट क्रीम खानी क्या, आइसक्रीम? फ्रूट क्रीम लेने के लिए जा रहे हैं। अब सब कुछ है कि आइसक्रीम खानी, सब बोल रहे थे आइसक्रीम तो नहीं खाएँगे, फ्रूट क्रीम खा लेते हैं हमें। चलो चलते हैं, बताओ कहाँ से लेकर आनी है। दुर्गा नहीं, मजीठा रोड वाली नहीं, ज़्यादा रेस्ट होती। चलो चलते हैं फ्रेंड्स, सुभाष है यहाँ पर मजीठा रोड पर, उस पर उससे लेकर आते हैं फ्रूट क्रीम। सब खाएंगे आज, फ्रूट क्रीम खाएंगे हम लोग। इधर हो गया हमारा, सबने एक एक रोटी खाते हैं रात के टाइम। देखिए रात का नज़ारा, देखिए अमृतसर का। देखिए फ्रेंड्स रात का टाइम, देखिए रात के टाइम का अमृतसर का, हमारी कॉलोनी का। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर जहाँ से हमें फ्रूट क्रीम लेनी है। देखिए इस कप में लेंगे, मैं इनसे बोली भैया से कप छोटे हो गए हैं। 40 रुपये का एक कप मिलता है, बहुत ही टेस्टी होती है। 400 रुपये किलो है, बोल रहे हैं भैया कि 400 रुपये किलो है फ्रूट क्रीम। बहुत कॉस्टली हो रहा है ना सब कुछ। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, मैंगो शेक भी मिलता है, मिल्क बादाम भी मिलता है और फ्रूट क्रीम विदाउट बनाना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है ना, बनाना से ख़राब हो जाती है फ्रूट क्रीम। काफ़ी बड़ी शॉप है, फ्रूट्स बहुत है इनके पास। अब देखिए इन्होंने कप में डाल दिए है और इसके ऊपर नैपकिन लगा कर ना तो उसको रबर से बांध देंगे। तब चलते हैं घर। अभी देखिए फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है और हम लोग फ्रूट क्रीम लेकर आए थे। आइसक्रीम आज, आइसक्रीम नहीं आज, फ्रूट क्रीम खाई है हमने। तो फ्रूट क्रीम खा ली है सब ने। रोज़ रात को हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे खा लेते हैं, फ्रूट क्रीम आइसक्रीम, तो वेट कैसे लूज़ होगा ना। तो चलो आज फ्रूट क्रीम खाई है सब ने। अब सारा काम हो गया, बर्तन सब कुछ करके रख दिए है और किचन क्लीन है। तो अभी चलो बैठे हैं यहाँ पर। अभी लाइट भी चली गई है, आजकल लाइट बहुत जा रही है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। तो लाइट चली गई है फ्रेंड्स, अभी लाइट की वेट करते हैं। एसी जब तक चलेगा नहीं, नींद तो आने वाली नहीं उतनी देर। वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और कुछ और देखती हूँ, वीडियो देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, देखिए लाइट आ गई बातें करते करते ही लाइट आ गई है फ्रेंड्स। तो अब वीडियो का यहाँ पर ही मैं एंड कर देती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। और नए हो चैनल पर तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टिल देन एंड बाय 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 फ्रेंड्स।